का मेरा वीडियो अमलोखी का ऊपर है, तो फिलहाल हम अकेला है यहाँ पे, मतलब अमलोखी तोड़ने आया है, तो देखते हैं आज अमलोखी कितना तोड़ पाता है। वैसे तो मेरा पास में दोस्त वोस्त तो नहीं है, एक दोस्त था, कहाँ गया टाइगर? दिख रहा है आपको? इधर वो नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा बिजी है, वीआईपी पर्सन है। तो चलिए दिखाते हैं अभी हम अमलोखी तोड़ के। हम फिलहाल गच्ची का ऊपर जाएगा अभी, और मेरे पास कैरी बैग है। कैरी बैग तो बहुत ही बड़ा है। अब देखते हैं गच्ची का ऊपर जाएगा और अमलोखी कितना तोड़ पाता है, आज इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे पास फिलहाल के लिए तो दाव तो है, लेकिन शायद दाव कुछ काम नहीं देगा, क्योंकि हम लोग को पेड़ को कटना नहीं है, बस वहाँ से अमलोखी तोड़ना है ताकि अचार बना सके, क्योंकि लोकल है भाई। तो चलिए हम गाछी का ऊपर जा रहे हैं अभी, आप देखिएगा यहाँ से हम कितना तोड़ पाते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं ऊपर। मुझे लगता है आप लोग इस जगह से व्यू का मजा लीजिए, क्योंकि मैंने चाहता मेरा कुछ कुछ हो जाए, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तो सुख सुख बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय में सुख सुख बातें बहुत ही जरूरी। फिलहाल मैं गच्ची के ऊपर जाऊंगा और ये मेरे पैर में उठूंगा और ये देखूंगा कितना तोड़ पाता हूँ, नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक जो है अब भरने वाला है, तो इसे मैं बांधने का तो तरीका नहीं है, लेकिन लेके जा रहा हूँ जरूर। दाव को यहीं पर रख दूंगा, ये देखिए आपके सामने दाव है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं। पहले मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, अभी और भी काम बाकी है। आप लोग देख रहे हैं बंदर को, बंदर कैसे ऊपर जा रहा है। गिरेगा या बंदर को पता नहीं है कुछ भी, लेकिन गिराने की कोशिश तो जारी है हमारी। तेरे प्यार में मुझको प्यार नहीं, बाबा जी का टुल्लू।
फिलहाल के लिए इतना ही, अभी और काम बहुत बाकी है। तो मैंने यहाँ गिराया है, आप देख सकते हैं यहाँ भरपूर है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर थोड़ा बहुत तोड़ा है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है क्योंकि अचार बना के जो खाना है। और मेरा बाल देखिए पूरा, वाह। तो दाव ले लिया, और आप लोग देखिए ये देखिए मेरे इतना सारा, ये देखिए मेरा सर से भी ज्यादा बड़ा है, ये देखिए मेरा सर से कितना। तो मेरे ये तोड़ लिया, अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो चलिए करते हैं। हम लोग की बहुत ही टेस्टी है और इसे खाने का मजा तो मतलब बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं ये आम लोग की, और ये गया मेरा मुंह में। मैं पूछ नहीं सकता और आप बता नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, फिर मैं हूँ, तो मुझे लगता है मुझे मेरे आत्मा से भाई बात करना पड़ेगा। बढ़िया तो बढ़िया है, और एक है इसे खा के देखता हूँ। अब इसे खाता हूँ। खाते जहर बहुत बढ़िया। और ये हमारा सुंदर सा पेड़ जो आमलोकी देता है। और मैं जा रहा हूँ ये जंगल से घर की तरफ। रास्ता कहाँ था? हाँ ये था ये। सो बाय बाय आमलोकी गाछ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा और फिर तुम्हें तोड़ूंगा। ये देखिए हमारे कुत्ते, कजो टाइगर 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 टाइगर, किधर? तो मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा टाइगर उस तरफ है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ रास्ते से। और ये देखिए सुंदर सा पेड़ जो था हम लोग की दे रहा था हम लोगों, तो हर साल मिलता है बट यहाँ मैं इस बार मैंने देखे बहुत ज्यादा ही तोड़ लिया। और ये देखिए हमारे कुत्ते आ रहे हैं पीछे पीछे। फिलहाल ये मेरा दोस्त का खेती है, तो खेती देख लीजिए आप, ये है खेती उसका, बहुत सुंदर सा खेती है। और हम यहाँ सरसों उगाते हैं हमेशा, हर साल सरसों, उसके बाद मतलब सीजनल जो भी क्रॉप रहता है 6 मंथ्स के बाद जो मतलब प्रोडक्शन देता है वैसे वाला हम लोग मैक्सिमम यहाँ यूज करते हैं। तो देख लीजिए ये, और मेरा दोस्त फिलहाल देखिए वहां पर, जो कि बता नहीं सकता उसका अभी हम कुछ भी, तो देख लीजिए आप उसको। हेलो, कैसे है? बहुत दिन बाद मिला ना। ये देखिए हम लोग की दोस्त से हाथ तो मिलाना पड़ेगा। कैसे है? ठीक है ना, चलो फिर चलता है। तो ये देखिए हमारे दोस्त जो हाय टिकू भाई। ओ भाई देखिए कितना लंबा हो गया ये बच्चा। और ये देखिए हम लोग की लगभग इसमें से 10 बोतल शायद अचार निकलेगा, क्योंकि वहां पे अचार बहुत ही दाम है, मतलब बहुत ही ज्यादा है वो पैसा वहां पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपना लोकल अचार बनाता हूँ ताकि मुझे बाद में काम दे। तो फाइनली मैंने ले लिया है, और अब बाकी है हमारे इंग्रेडिएंट्स के, मतलब जो मसाले होते हैं, मसाले के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसे बॉय में भरूंगा और वहीं पर जहाँ मैं कॉलेज करता हूँ उसी जगह पर रह के इसे टिंग टिंग। भाई जल्दी आओ। तो बस्ती में बहुत दिन बाद मतलब मेरा दोस्त का खेती हम घूमने आया, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली आप देख सकते हैं, ये देखिए हरियाली हरियाली सारा तरफ हरियाली, आप नज़ारे एकदम, आप क्या बोलेंगे, आप हम झकास वर्ड जो है ना वो शायद इसी को कहते हैं, झकास वर्ड शायद। और बताओ हालचाल कैसे है तेरा? खाना वाना खाते है? नहीं खाता है। नहीं खाते है?
भाई तू जिंदा कैसे है, ये दाव दिखाओ तो जरा हमको। तो भाई वही पुराना दाव भाई, बच्चा से ये दाव बुक रहे, देख हमारे दाव कितने चेंज हो गए हैं। और क्या बताऊं, बात बाकी तो सब बस्ती पे वही है, क्योंकि बस्ती पे आने से तो सब लोग मतलब अपना काम पे बिजी रहते हैं। तो मेरा ब्लॉग में साथ देने वाला कोई नहीं है फिलहाल, तो मुझे लगता है टाइम निकाल के मुझे अपने दोस्तों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यही दोस्त लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं घर में, और मुझे कुछ कुछ काम में बहुत सारे मदद करते हैं, ब्लॉग बनाने में और नहाने में भी। और साथ में जैकफ्रूट बहुत खाए थे हम लोग, फिलहाल अभी जैकफ्रूट का सीज़न नहीं है, वैसे जैसे ही सीज़न आना शुरू करेगा उसके बाद हम जैकफ्रूट का ब्लॉग बनाएंगे हम थोड़ा सा, तो उसमें देखिए हम लोग जैकफ्रूट में मतलब उस चीज़ को लेके कितने मस्ती करते हैं, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो आगे चलते हैं, अब आगे की नज़ारे आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पानी है जो कि मतलब छोटा सा नाला है, तो उस नाले से हम अभी क्रॉस होंगे। तो वो नाले पे भी मैंने शायद ब्लॉग डाला था, ब्लॉग नंबर 46 होगा शायद। तो अभी बिजी हूँ क्योंकि खेती का सीज़न है, तो ब्लॉग बनाने के लिए मुझे इतना समय नहीं मिलता है, बट फिर भी आप लोग के प्यार से मुझे बहुत कुछ गेन करने को मिला है, और आप लोग का कमेंट से मुझे बहुत ही नॉलेज मिलता है कि आगे का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे की तरफ।